हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस HBZ रिएक्शन। डू यू नो व्हाट इज HBZ? HBZ इज हेल वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस आपने पढ़ा होगा, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। तो नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए आप, जिसमें कि एक एसिड आपको दिया हुआ है और बीच में लिखा हुआ है, देखिए रेड फास्फोरस और रेड की लिखा हुआ है, आप देख Cl2 किया हुआ है, 10H2 और बॉइलिंग की हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंडीशन फॉर HBZ? तो सबसे पहला तो ये है कि HBZ रिएक्शन ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिसमें कि क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो समझ लीजिए कि वो रिएक्शन HBZ नहीं देगा, वहां पर नो रिएक्शन आपको लिखना है। नाउ क्या होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन वाले, देखिए कंपाउंड, सपोज दैट फर्स्ट अगर हम एसिड को लें, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लें, तो ये देखिए HC OH, ये क्या आपका फॉर्मिक एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेनॉइक एसिड, IUPAC में जो बोलते हैं आप, ये फॉर्मिक एसिड है। तो इसमें अल्फा कार्बन तो है नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो HBZ रिएक्शन जो है फॉर्मिक एसिड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लें इसी का एसिड CH3 C OH, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस कैन गिव दिस HBZ रिएक्शन इफ कंडीशंस आर अकॉर्डिंगली विद दिस। ओके, अगर कंडीशन है तो तभी देगा, अगर कंडीशन नहीं है तो फिर ये भी नहीं देगा। ओके, तो ये आपका एसिटिक एसिड है, या इसको आप IUPAC में क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड। कंपाउंड्स के नाम जो हैं आप अपने नाम की तरह याद रखिए, IUPAC में अलग से आपको पढ़ना नहीं आना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी नाम आपको दे दिया जाता है, तो जैसे कोई टीचर आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो आप सोचते नहीं है, उसी तरह से केमिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है तो किसी कंपाउंड्स का नाम आपसे पूछा जाता है तो आपको सोचना नहीं चाहिए कि अरे ये होगा सर, ये होगा, ऐसा तो कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है ना, सीधे बोल देना है दो कार्बन मिथेनॉइक एसिड या इथेनॉइक एसिड, जो भी इसका नाम है वो तुरंत बोल देना है। दो कार्बन है तो क्या आएगा, बोले एथ आएगा ना, ओइक एसिड है तो इथेनॉइक एसिड, यहाँ एक कार्बन है मेथ, ओइक एसिड मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, देखिए इसमें कंडीशंस जो है वो मैं आपको बता दूं। पहले HBZ की कंडीशंस होती है, एक तो उसमें जो कंडीशंस में नंबर वन आप देखिए उसमें होता है, देखिए आप ये ले लेते हैं रेड फास्फोरस लेते हैं, ठीक है, या उसमें आप ले सकते हैं आई ले सकते हैं आयोडीन, या ले सकते हैं Fe, ये कुछ चीजें ले सकते हैं, और साथ में Cl2Br2 तो रहेगा ही आपका, Cl2 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या Br2 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और दूसरा थर्ड कंडीशन है, या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा या इसको क्या कर सकते हैं आप, बॉइलिंग, ये कंडीशन अगर फॉलो कर रही है कहीं पर, तो समझ लीजिए कि वो आपको क्या दिया हुआ है, HBZ रिएक्शन दिया हुआ है, और अल्फा हाइड्रोजन को वहां पर हटा करके उसकी जगह पर क्या लगा देना है, जो भी रेस्पेक्टिव हैलोजन वहां पर दिया हुआ है, अगर Cl2 के साथ में रिएक्शन करना है तो H हटा करके Cl लगा दीजिएगा, Br2 वहां पर दिया है तो H हटा करके क्या लगा देंगे आप, Br लगा देंगे। जैसे अगर इसका हम देखें, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, सीधा सीधा मैं बना दूं प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट अगर बनेगा, पहले स्टेप पे CH3CH और ये Cl2 लिखा हुआ है तो यहां पर Cl लग जाएगा और ये आपका COOH। अगर फर्दर रिएक्शन और करेंगे तो ये वाला H भी जो है क्या हो जाएगा, एक अल्फा में, अल्फा कार्बन में 2H है तो दोनों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, अगर फर्दर वहां पर दिया, अगर ऑप्शन में यही दिया हुआ है, अगर डाइक्लोरो वाला नहीं दिया तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैकेनिज्म क्या है, आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। देखिए पहला स्टेप है जो रेड फास्फोरस है, देखिए रेड फास्फोरस, फास्फोरस को कैसे इंडिकेट करते हो आप, P4 इस फॉर्म में रहता है ना, ठीक है, और प्लस आपने क्या कर दिया Cl2, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपका बन गया PCl3। अब उसी के अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर लीजिए, P4 है तो 4P कर दीजिएगा, 4 × 3 = 12, तो यहां पर कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए, जो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा, अब हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते, देखिए R CH2 C डबल बॉन्ड O
OH, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस इसकी रिएक्शन किससे होगी, PCl3 के साथ में। क्लियर हो गया ना। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, जब आपने कभी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जैसे यार PCl3 दिया हो या PCl5 दिया हो या SOCl2 दिया हो, यानी कि थायोरिन क्लोराइड, इन तीनों की रिएक्शन अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से करते हैं जिसमें OH ग्रुप्स है, चाहे अल्कोहल हो या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो वो क्या करता, देखिए जो OH ग्रुप है ना उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर क्या आ जाता है, जो रेस्पेक्टिव हैलाइड वहां पर है, जैसे यहाँ Cl है तो Cl आ जाएगा, PBr3 है तो Br यहां पर आ जाएगा, तो इसका जो यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या आएगा, बोलिए Cl आ गया तो R CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आपका आ गया क्या, Cl आ गया, ठीक है ना। अब जो ये कंपाउंड बना हुआ है अभी, इसको आप ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। जैसे अगर यहां पर अभी R ग्रुप का तो पता नहीं है, सपोज करें यहां H ही होता और ये क्या होता, CH3 होता, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन ऑयल क्लोराइड। ओके, एसिड क्लोराइड अगर शॉर्ट में अगर बोलना है तो एसिड क्लोराइड हो गया। क्लियर हो गया ना। अब इसमें जो प्रोडक्ट ये बना हुआ है, ये अपनी दो फॉर्म में रह सकता है। देखिए कभी भी कोई रिएक्शन होती है, अगर एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज लैड कि उसमें आपने 1 मोल आपने क्या लिया, एसिड लिया, अगर इसके अंदर 1 मोल है तो इसका मैंने कितने मॉलिक्यूल बोलिए, 6.023 × 10⁻², देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं अपनी फॉर्म्स को चेंज भी करते हैं, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल अगर 50% ने भी कुछ चेंज किया है तो ये अपने को किस फॉर्म में चेंज करते हैं वो बताते हैं आपको। देखिए जैसे ये है इसकी कीटो फॉर्म, आपको कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये अपनी इनॉल फॉर्म बनाते हैं। देखिए इनॉल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए ये अपनी इनॉल फॉर्म कहां से बनाते हैं, इस तरीके से देखिए, यहां पर H इस तरह से लिख दिया हमने। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, इट मींस ये पाई बॉन्ड जो है किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, आपका ऑक्सीजन की तरफ को, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, एंड ड्यू टू दिस कार्बोनिल कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज दिस कार्बन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड है, देखिए CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अपनी ओर खींच लेता है। क्लियर हो गया ना। तो जैसे ही अपनी ओर खींचता है, ये वाला जो है आपका H जो फ्री होगा यहां पर से, ये H इसके पास आ जाता है तो वो उसकी इनॉल फॉर्म बन जाती है। तो देखिए कैसे बनाते, R CH यहां पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड C और इधर आ गया आपका क्या OH और यहां Cl अपनी जगह बना रहे, ठीक है। तो ये है आपकी कीटो फॉर्म और ये है आपकी क्या इनॉल फॉर्म। इनॉल क्यों बोलते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसी से ऑल भी लगा हुआ, देखो इन से ही ऑल भी लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अगर आपका OH जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में जो आपकी इनॉल फॉर्म है, ठीक है, वो किससे रिएक्शन करता है, आपने देखा इसमें Cl2 तो है ही आपका, देखिए R CH डबल बॉन्ड C OH और ये आ गया आपका Cl, प्लस क्या हो जाएगा यहां पर क्लोरीन, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आप ध्यान से देखना आपको क्या बनता है। देखिए यहां पर क्या है कि कीटो और इनॉल फॉर्म में आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है, जैसे ये H यहां पर है फिर H यहां पर आएगा, ठीक है ना, उसी तरह से फिर यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो और H के बीच का बॉन्ड जैसे पहले डिस्प्लेस हुआ था उसी तरह से ये वापस आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये यहां वापस आएगा, ठीक है ना, अपनी अपनी जगह पर वापस आ रहे। इन बिटवीन देखो ड्यूरिंग दिस इंटर कन्वर्जन, यहां पर इससे जैसे इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म बनी फिर इनॉल फॉर्म बनी, ये चलता रह रहा है, इधर से उधर जा रहा है, कोई फॉर्म ज्यादा हो सकती है, कोई फॉर्म क्या हो सकती है, कम हो सकती है, कहीं पर इनॉल फॉर्म ज्यादा बनती है, कहीं पर कीटो फॉर्म ज्यादा बनती है, दैट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर कहीं कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो उसका परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर इनॉल फॉर्म अगर स्टेबल है तो वहां पर इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा। कभी भी ये याद नहीं रखना है कि बहुत बार मुझसे स्टूडेंट पूछते सर कीटो फॉर्म ज्यादा होती, नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का पढ़ करके आप उसको रटना नहीं, किसी में कोई स्टेबल होगी किसी में कोई स्टेबल होगी, ठीक है ना। ओके, जब ये यहां वापस आता है तो डबल बॉन्ड, ये यहां वापस आएगा तो नेगेटिव,
तो जैसे ये सब चीज हो रहा होता है इन बिटवीन, देखिए आपका ये आएगा क्या एच प्लस के रूप में, जब ये यहां आएगा तो ये एच प्लस होगा, ये यहां पर से क्या ले देता है सीएल माइनस को ले लेता है, यहां पर से क्या ले लेगा सीएल माइनस, यानी कि एच सी एल एक अलग हो जाएगा, ठीक हो गया ना। और ये जब यहां वापस देखो ये तो वापस आ गया, ये यहां वापस आएगा तो यहां पर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा, तो सी एल पॉजिटिव इससे जुड़ जाता है, तो ये आ गया आपका क्या आर सी एच सी एल सिंगल बॉन्ड सी, ये वापस से आपका क्या होगा डबल बॉन्ड हो और यहां पर सी एल लगा हुआ, ठीक है। तो कभी भी मैं आपको दोबारा से एक चीज और बोल रहा हूं, ये जो आपका सी एल सी एल है ये यहां पर हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुआ है, होमोलिटिक फ्यूजन नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल। देखिए कभी भी याद रखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, वो वहां पर अगर पोलर इस तरह से H प्लस कोई आपका एटम है और उसमें से Cl माइनस को लेने वाला वहां पर अवेलेबल है तो वो हेट्रोलिटिक फ्यूजन भी हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि Cl Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो हमेशा होमोलिटिक फ्यूजन ही उसको करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो बना आपका अभी देखिए अल्फा क्लोरो तो बन गया, लेकिन अब फोर्थ स्टेप एंड दिस वन इज द लास्ट स्टेप, इसमें क्या होता है देखिए, जो ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल क्या करता है उसी के दूसरे मॉलिक्यूल से, ये जो एसिड आपको दिया है उसके दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं आर सी एच सी एल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एल हो गया, प्लस इसी का दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर है आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो इन दोनों में क्या होता है देखिए, नो दिस वन इज ओ एच क्योंकि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है ओ एच, ठीक है ना। मैंने ये बोला आपसे कि जो ये कंपाउंड आपका बना है उसकी रिएक्शन किससे होनी है, जो आपने स्टार्टिंग लिया था उससे होनी है, ठीक है। अब वो कहां से आया अगर ऐसा कहते हैं तो आप देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बोला अगर आपने वन मोल लिया है, वन मोल सब्सटेंस भी लिया है, तो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, वहां कितने हैं आपके 6.023 × 10²³ इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट किए, ये बनाया आपने कीटोइनॉल फॉर्म वाला बना, कुछ हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल वहां रह गए उनने ये रिएक्शन की है, ठीक है। ऐसा होता है सभी मॉलिक्यूल रिएक्ट एक साथ में नहीं करते हैं। यहां पे क्या होता है इन दोनों के बीच में ये जो Cl इसमें बना हुआ है और जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में OH है ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, इंटरचेंज ऑफ OH एंड Cl, तो दैट विल बी द नाउ फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है देखिए आर आर सी एच सी एल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आ गया OH, ठीक है ना, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, देखो प्लस दूसरा जो कंपाउंड बना वो देखिए आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। अगर आप इस कंपाउंड को देखें और जो यहां पर बना हुआ है इस कंपाउंड को अगर आप देखें दोनों एक ही है, अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट, ठीक है, इसको मैं बोल दू सेकेंड और इसको बोल देता हूं मैं थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे देखिए, इट मींस ये जो थर्ड वाला है दोबारा से जो है रिएक्शन को यहां पर कंटिन्यू कर सकता है, क्लियर हो गया ना। और प्रोडक्ट तो आपको मैंने बता दिया कि ये प्रोडक्ट आपको बन गया, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्या हुआ ये देखिए 1 2 है ना, ठीक है 1 2, या अगर इसको मैं कहूं कि ये अल्फा हुआ तो अल्फा क्लोरो एसिड बन गया आपका, जो भी रेस्पेक्टिव एसिड हुआ यहां पर वो बन गया। तो ये होता है आपका एच बी जेड रिएक्शन में, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट मैंने यहां पर बनाई दिया है इसी तरह से बाकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एच बी जेड रिएक्शन, नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।